दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, इंडियन आर्मी के टॉप लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे को रमजान के पाक महीने में मस्जिद में जाकर मुस्लिम रोजेदारों के साथ नमाज पढ़ना पड़ा भारी। सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर सुरेश चवानके ने आर्मी की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने पर दिया विवादित बयान। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारियों को रोजेदारों के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार सेना की 15वीं कोर के 15 कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे एक और सिख अधिकारी को अन्य सैन्य कर्मियों के साथ जा नमाज पर बैठे नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है। वहीं इन तस्वीर को शेयर करते हुए पूर्व आईपीएस विजय शंकर सिंह ने लिखा, यह खुशी और राहत की बात है कि भारतीय सेना धर्मांधता और कट्टरपंथ के वायरस से अभी बची हुई है। तस्वीर में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हैं, जो श्रीनगर में रमजान के दौरान मुस्लिम व गैर मुस्लिम सैनिकों व अधिकारियों के साथ नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद। वही भारतीय सेना को मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते हुए देखकर सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर सुरेश चवान के को यह एक तारास नहीं आती है, और वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अब यह बीमारी भारतीय सेना में भी घुस गई है। दुखद, आखिर क्यों जब भी हिंदू मुस्लिम की एकता की कुछ अच्छी खबर सामने आती है तो कुछ लोगों को बुरा क्यों लग जाता है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।